है गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। फिलहाल तो बज रहे हैं 8 बजे के आसपास, मतलब 8 से ज़्यादा ही हो रहा है टाइम। फिलहाल अभी क्लास के लिए निकलने वाले हैं, बाल वगैरह कुछ नहीं झाड़े हैं, नहा के आए बस और वीडियो कर दिए हैं स्टार्ट। लेकिन क्या तो करें, जल्दी जल्दी से सब चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट करनी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा। असाइनमेंट का तो हम लोग का कुछ आ ही नहीं रहा है, अगर जल्दी से आ जाता तो उसको कंप्लीट करने के लिए बैठते सोच रहे हैं। डेट वगैरह पहुँच जाएगी उसके बाद हम लोग का हड़बड़ी वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। उससे अच्छा था कि जल्दी ही दे दिया गया होता और हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेते, इससे एक तरीके से हम लोग का टेंशन भी नहीं रहता। अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट में क्या बनाया मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग पहले 7:30 बजे निकल जाते थे, लेकिन अभी तो 8:30 बजे आसपास निकलते हैं। 8 तो नहीं हो पाता है, 8:30 बजे के आसपास ही। ठंडा तो बहुत गंदा वाला लग रहा है, लेकिन मम्मी तो शायद घर में नहीं है। धनो तो पूरा रेडी हो गया है, उसको थोड़ा पोंछ उछ दिए। मम्मी शायद पानी लाने के लिए गई है, जहाँ पर स्कूल घर है उसके जस्ट साइड वाले एरिया में जो नल है वहाँ पे से लाते हैं। मम्मी को रास्ते में जाते जाते बता देंगे कि हम निकल गए बोल के। मुसू यहाँ पर क्या ढूंढते ढूंढते आ गया है। मुसू वो अपना बिजी है शायद, इसी की वजह से मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। आज क्या हुआ, भाई का तो कॉल ही नहीं आ रहा है। वो आ रहा है कि नहीं क्लास वो तो पता नहीं मेरे पास, क्योंकि उसका नंबर सेव ही नहीं है। मेरे को पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर है उसका। संडर मार्केट वाला रास्ता, जो गली वाला रास्ता है वहाँ पे है। जैसे ही बोले कि वो भाई का कॉल नहीं आ रहा है, 10 मिनट भी नहीं हुआ है और उसका कॉल 2 बार आ चुका है। खाने के लिए कुछ लेके आ बोल रहा था, लेकिन मैंने तो पैसा पकड़ा ही नहीं है। फिर कभी ले देंगे। कल धनो का लॉक वगैरह भी नहीं लाए थे, लेकिन आज लेके आए हैं तो लॉक करना पड़ेगा उसको। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे भी टाइम बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है। मेरे को साइकिल वगैरह तो उसकी नहीं दिख रही है, मेरे को लग नहीं रहा है कि वो आई है। हम लोग का टास्क वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए हम लोग। गदा भी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा ऐसे ही टहलने के लिए, उसके बाद क्लास वगैरह जाएंगे, बैग वगैरह सजाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। फिलहाल तो टाइम हो रहा है 11:15 के आसपास। फिलहाल तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए, धनों को भी निकाल लिए। तभी से मेरे को डर लग रहा था रास्ते में आ रहे थे, तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब कर लिया है रास्ते में, अगर बारिश वरिश आ गई तो पूरा भींगना पड़ेगा मेरे को। तो घर तो पहुंच गया अभी, और मौसम ख़राब के वजह से बहुत ज़्यादा हवाएं वगैरह भी चल रही है, तो ऑडियो क्वालिटी में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो लंच अभी घर में करने वाले नहीं है। दीदी कॉल की थी और बोली कि लंच करने हम लोग का घर आना बोल के, तो वही लोग के घर जाने वाले हैं, तो सबसे पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हवाएं वगैरह तो चल रही है, लेकिन दीदी का घर पहुँच गए तो लंच और थोड़ी देर के बाद ही करेंगे। दीदी लोग के घर से डायरेक्टली आ गए, ठंडा वगैरह लग रही थी तो टोपी वगैरह भी पहन लिए। तो फिलहाल तो एडिटिंग करने के लिए बैठ जाते हैं, लंच वगैरह सारा चीज़ वहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप वीडियो को पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलता है नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय।